हेलो फ्रेंड्स, आपका सुनीता होममेड रेसिपीज़ में स्वागत है। आज हम बहुत टेस्टी से स्नैक्स बनाएंगे, जिसको सभी बहुत खुश होकर खाते हैं। और बनाने भी किससे हैं हमने, वो भी बचे हुए चावलों से, जो हमारे लेफ्ट ओवर चावल बच जाते हैं ऐसे। ये देखिए, सबसे पहले हमने लेफ्ट ओवर चावल ले लेने हैं। इनको अच्छी तरह से मैश कर लेना, वो भी हाथों से, या फिर आप मैशर से मैश कर लेना, पर मिक्सी में मत ग्राइंड करना, क्योंकि इसके थोड़े से चंक्स रहने चाहिए बीच में अच्छी तरह से। ये बहुत जल्दी मैश हो जाएंगे, क्योंकि पके हुए होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मैश हो गए हैं। अब इसमें क्या करना है, आपने दो बॉयल्ड पोटैटो ले लेने हैं, आलू, उसको ग्रेट कर लेना है, चाहे तो हाथों से मैश कर लेना है। उसको भी इसमें मिक्स कर देना है अच्छी तरह। मिक्स होने के बाद उसमें क्या करना है, आपके पास दो, अगर ब्रेड है तो ब्रेड ले लो, अगर बची हुई रोटी है तो उसको मैश करके ले लो, उसको ग्राइंड कर लो, या फिर आप पोहे का मिक्सचर भी ले सकते हो। इस तरह ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करके, इसके टुकड़े करके, अगर ब्रेड क्रम्स है तो वो ले लो, उसको भी इसमें मैश कर लो आप अच्छी तरह से। ये ब्रेड हम इसकी बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी बन जाए और इसकी जो शेप्स हमने बनानी है वो अच्छी तरह से बन जाए। इसके बाद आपने इसमें ग्रीन चिलीज डाल देनी है। ग्रीन चिली आप अपने हिसाब से डाल लेना, कम ज़्यादा, धनिया पत्ती। उसके बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। मसाले में सबसे पहले रेड चिली फ्लेक्स, अगर रेड चिली फ्लेक्स है तो वो डाल दो, अगर रेड चिली पाउडर है तो वो डाल लो आप। उसके बाद रोस्टेड जीरा पाउडर डालेंगे, उसके बाद सफ़ेद नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना आप। उसके बाद काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ज़रूर से डालना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। उसके पास अगर आपके पास है चाट मसाला तो वो डाल लो, अगर आमचूर है तो आमचूर पाउडर डाल लो। ये सब डालने के बाद इसको एक अच्छी तरह से मिक्स कर लो, ताकि मसाले हैं जो इसमें सारे इवनली मिक्स हो जाए। देखिए, हमारा ऐसा मिक्सचर तैयार करना है आपने, बिल्कुल के डो की तरह हो जाएगा। उसके बाद हाथों पे हल्का सा घी या तेल लगा लो, जो भी आप यूज़ करते हो। उसके बाद जो भी शेप्स में आप चाहो इसको तैयार कर लो। टिक्की बनाना चाहते हो टिक्की बना लो, कटलेट बना लो, बॉल्स बना लो, जैसे हमने टिक्की की शेप दी है इसको, क्योंकि टिक्की को आप शैलो फ्राई भी कर सकते हो और डीप फ्राई भी कर सकते हो। वैसे हम डीप फ्राई करेंगे, पर इसमें सारा कुछ पका हुआ है, क्योंकि ब्रेड को भी पकाने की ज़रूरत नहीं है, चावल भी हमारे बने हुए थे और साथ में आलू भी हमारे बॉयल्ड थे, सारा कुछ पका है, तो इसको आप शैलो फ्राई कर सकते हो हल्का सा घी लगाने के बाद। इस तरह आपने सारे शेप्स तैयार कर लेनी है। कुछ हमने कटलेट बनाई है और कुछ हमने टिक्की बनाई है, ये देखिए। और खाने में ये बहुत टेस्टी, बहुत जम्मी बनते हैं। ये देखिए, हमने सारी शेप्स तैयार कर ली हैं। अब हम कढ़ाई में घी लेंगे, घी या ऑयल आप जो भी यूज़ करते हो उसमें हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो इसको तवे पे शैलो फ्राई कर सकते हो। फ्लेम आप लो रखना, ज़्यादा हाई फ्लेम पे क्या होगा, ऊपर से एक मिनट में जल जाएंगे ये, और हमने जलना नहीं है, हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है इनको। ये देखिए, हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे कढ़ाई में से। इसको आप फ्लिप करते हुए दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहे। प्लीज़ कमेंट करना आपको रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो ट्राई ज़रूर करना, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।